करेंगे इवोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथडोलॉजी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथडोलॉजी। ठीक है, मेथडोलॉजी में मेथड्स कौन कौन से यूज होते हैं, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बहुत सारे मेथडोलॉजी होते हैं, वो इवॉल्व कैसे हुए, पहले क्या था, उसका नेक्स्ट जनरेशन क्या आया, है ना, उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे ये राइट साइड में डायग्राम में, सबसे पहले क्या आता है, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस किए, कुछ मशीन लैंग्वेज को इवॉल्व किया गया, और उस इवोल्यूशन के बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा असेंबली लैंग्वेज, और असेंबली लैंग्वेज के बाद स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमें जानना होगा कि इससे पहले क्या क्या लैंग्वेजेस किस टाइप के होते थे। ठीक है, तो इनिशियली जो सबसे ऊपर आप देखेंगे मशीन लैंग्वेज, तो मशीन लैंग्वेज में क्या आता है हमारा, सिर्फ जीरो एंड वन। मशीन के बारे में हम बात करेंगे तो मशीन क्या समझता है, सिर्फ जीरो एंड वन, दो ही डिजिट, और हर चीज दो डिजिट से ही मिल के बनता है। उसको जब इवॉल्व किया गया और असेंबली लैंग्वेज पे जब हम लोग आए, तो असेंबली लैंग्वेज में क्या यूज होने लगा, निमोनिक्स। कुछ भी हम लिखते थे प्रोग्रामिंग में वो निमोनिक्स के थ्रू लिखते थे। मशीन लैंग्वेज में सिर्फ हम जीरो वन के थ्रू करते थे, और असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक्स यूज करते हैं। असेंबली लैंग्वेज के बाद जब नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग आए स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग पे, तो स्ट्रक्चर्ड में कुछ स्ट्रक्चर्स आ गए। ठीक है, कुछ फंक्शंस के कंसेप्ट्स आ गए उसमें, कुछ फंक्शंस आ गए। फंक्शंस को हम लोग सब रूटीन्स भी बोलते हैं, प्रोसीजर्स भी बोलते हैं, और सब प्रोग्राम्स भी बोलते हैं। अब देखिए इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, फंक्शंस के कितने अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं। क्वेश्चन में या कोई आपसे पूछे वाइवा में कि सब रूटीन्स क्या होते हैं, तो आपको घबराना नहीं, उसमें फंक्शंस को ही सब रूटीन बोला जाता है। जो फंक्शन का डेफिनेशन है वही सब रूटीन का डेफिनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रोसीजरल लैंग्वेजेस, इसमें जो इवॉल्व हुआ स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, और हमारा नेक्स्ट क्या आया वर्जन, प्रोसीजरल लैंग्वेज। प्रोसीजरल में जैसे बताया प्रोसीजर्स होते हैं। ठीक है, प्रोसीजर्स होते हैं यानी कि कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, और उसमें स्टेटमेंट्स में वेरिएबल्स होते हैं जो कुछ वैल्यूज को होल्ड करते हैं या स्टोर करते हैं, प्रोसीजरल लैंग्वेज आया। उसके बाद हमारा प्रोसीजरल के बाद आया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जैसे कि अभी बताया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सब कुछ किस पे ओरिएंटेड है, ऑब्जेक्ट पे, तो उसमें क्लास ऑब्जेक्ट इस पे फोकस होता है। ठीक है, और इसका बेसिक आइडिया क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कि डेटा और डेटा का जो फंक्शन है, डेटा एंड इट्स फंक्शन, इन दोनों को कंबाइन करता है एक साथ। ठीक है, और कंबाइन करने का पर्पस क्या है, सो दैट वी कैन ऑपरेट ऑन डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट, और उस सिंगल यूनिट को क्या बोलते हैं हम, ऑब्जेक्ट। तो इसका आप कैसे, इसको आप डिफाइन ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा एक सिंगल यूनिट है जिसमें डेटा और फंक्शंस होते हैं। ठीक है, या ऐसे कह सकते हो ऑब्जेक्ट इज कलेक्शन ऑफ डेटा एंड फंक्शंस इन अ सिंगल यूनिट। ठीक है, इसको अगर आप बुक में जो डेफिनेशन है उस हिसाब से आप देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट मीन्स अ रियल वर्ल्ड एंटिटी सच एज पेन। कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी है, कोई भी चीज़ रियल वर्ल्ड में है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे, पेन, चेयर, टेबल, कंप्यूटर, वॉच। ठीक है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक मेथडोलॉजी है या पैराडाइम है टू डिज़ाइन अ प्रोग्राम यूजिंग क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा हो गया रियल वर्ल्ड एंटिटी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या हो गई, ऐसी प्रोग्रामिंग, ऐसी मेथडोलॉजी या पैराडाइम जिसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इवोल्यूशन ऑफ मेथडोलॉजी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथडोलॉजी। आप समराइज आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले मशीन लैंग्वेज यानी कि 01 से हम कुछ निमोनिक्स में आए, है ना। निमोनिक्स मतलब क्या होते हैं, स्ट्रिंग कह सकते हो आप, कलेक्शन ऑफ लेटर्स,
कुछ हुआ जैसे एडिशन के लिए ए डबल डी, न्यूमोनिक आ गया ए डबल डी एडिशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए एम यू एल, तो ये सारे न्यूमोनिक्स आ गए। उसके बाद स्ट्रक्चर्ड में आ गए जिसमें हम वेरिएबल्स की बातें करते हैं, उसके बाद प्रोसीजरल में आ गए, ठीक है, सॉरी स्ट्रक्चर्ड में हम फंक्शंस की बातें करते हैं, सब रूटीन्स की बात करते हैं, उसके बाद प्रोसीजरल, प्रोसीजरल में हम वेरिएबल्स और वैल्यूज़ पे बातें करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जिसमें हमारी जो प्रोग्रामिंग है वो बेस्ड होती है ऑब्जेक्ट्स पे, ठीक है। तो ये इस हायरकी को आपको ध्यान रखना है, ये प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स की हायरकी है।